What's up guys, this is Ajit Kumar with another video, class 9 physical features of India. You are watching Dream Tech Education. आज का वीडियो जो है वो हिमालय रेंज के मतलब सब टॉपिक हम लोग हिमालय रेंज पर रहे थे, उसमें इसके पहले हमने डिस्कस किया था आउटर हिमालय के बारे में, इनर हिमालय और मिडिल हिमालय, ये तीन पार्ट थे जिसमें से कि हम लोग हिमाचल और हिमाद्री ये दोनों के बारे में पढ़ लिए थे। आज जो हमें पढ़ना है उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक की अगर हम बात करें तो अगर ऊपर से नीचे की ओर आए, ये जो तीसरी लाइन है अगर ग्लोब मैप पे आप देखें, इस तीसरी को हम लोग शिवालिक कहते हैं। तो आज हमें शिवालिक के बारे में समझना है और शिवालिक के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। क्यों आउटर हिमालय कहते हैं इसको थोड़ा सा समझे। जिस समय प्लेट ऑफ टेक्टोनिक की घटना हो रही थी, सबसे पहले ये जो हल्का पीला कलर का चौक है ये हिमालय बना, जिसको कि हमने आउटर हिमालय का नाम दिया, इनर हिमालय का नाम दिया। फिर बना ये मिडिल हिमालय, यानी सबसे पहले हिमाद्री बना, उसके बाद हिमांचल बना और लास्ट में शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम अंदर से देखें तो हमको ये पता चलता है कि चूंकि सबसे बाद में इस हिमालय की संरचना हुई है यानी फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। तो शिवालिक इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, दिस रेंज आज कंपोज बीस अनकंसुलेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयस रनिंग लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। देखिए हुआ क्या कि अगर हम इस हिमालय की बात करें तो पता चलता है कि हिमाद्री और हिमांचल ये दोनों चूंकि ज्यादा हाइट के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं और ग्लेशियर्स से निकलने वाली जो नदी होती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है जिसको एलुवियल्स भी कहा जाता है, और वो यहाँ पे डिपोजिट किया। लेकिन हमेशा से सिर्फ सेडिमेंट के डिपोजिशन से ये जो शिवालिक है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। प्लेट ऑफ टेक्टोनिक की थ्योरी जो चल रही थी, वो जो प्लेट ऑफ टेक्टोनिक की थ्योरी थी, इस थ्योरी में क्या हुआ कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने थे, बाद में जाकर यहाँ पे ग्रेवल्स का डिपोजिशन हुआ है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ है, जिसके कारण शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम बात करें फर्स्ट में तो आउटर रेंज ऑफ हिमालय यानी शिवालिक इज द आउटर रेंज ऑफ हिमालय, दीज रेंज आर कंपोज्ड विद अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यहां से अगर हम ऊपर देखें तो ये आपको नॉर्थ में दिख रहा है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय। अब बात करते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स एंड दे एक्सटेंड ओवर ब्रेथ ऑफ 10 टू 50 किलोमीटर्स। अगर हम इस हिमालय की बात करें तो हमको पता है कि ये यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी टोटल लंबाई है वो 900 से लेके 1100 मीटर्स है, और जो इसकी ऊंचाई है वो, और अगर इसका हम लोग ब्रेथ देखें तो कहीं पे ये आपको मिलेगा 10 किलोमीटर और कहीं पे जाकर के ये 50 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शिवालिक कंसिस ऑफ डून्स। अब एक टर्म पढ़ना है हमें, डून्स क्या होता है। डून्स देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, तो इसके बीच का जो ये जगह है इसी को हम लोग कहते हैं डून्स, इसी को कहा जाता है डून्स। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो पता चलता है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज कॉल्ड डून्स, यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है उसको हम लोग डून्स कहते हैं। और इसी डून्स में हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स होगा कोटी डून्स का और देहरा डून्स का। दिस वैली आज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल्स एंड एलुवियम। क्या है कि ये जो नदी निकलते हैं आउटर हिमालय से, मतलब इस हिमालय से हिमांचल और हिमाद्री से, वहां के ग्रेवल्स इस वैलीज में आकर फैले रहेंगे डून्स में, और यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के कण भी होंगे। तो एक वन टाइम्स इसको रिकैप कर ले हम फिर से, तो पता चलता है द शिवालिक यानी आउटर हिमालय जो है, आउटर हिमालय रेंज ऑफ हिमालयस, दिस रेंज आर कंपोज्ड विद द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी यहां से नॉर्थ ये जो तो आपका है हिमाद्री और ये हिमांचल।
एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज 900 मीटर टू 1100 मीटर एंड द एक्सटेंट ओवर ए ब्रेथ ऑफ 10 टू 15 किलोमीटर। अगर हम इसका देखें तो इसकी जो चौड़ाई है कहीं पे आपको 10 किलोमीटर मिलेगा और कहीं पे जाकर ये 50 किलोमीटर है। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ डून्स, शिवालिक में डून्स होते हैं। डून्स क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज कॉल्ड डून्स। इसका एग्जांपल देहरादून है, कोटी डून्स है। देहरादून का नाम आप लोग सुने होंगे और कोटी डून्स का नाम नहीं सुने होंगे लेकिन वो भी है। दिस वैली आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल्स एंड एलुवियम। ये जो वैलीज है, ये जो डून्स होगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवल्स होंगे जो कि रिवर के द्वारा लाए गए होते हैं हिमाद्री और हिमाचल वाले रेंज से, और यहाँ पर बहुत सारे एलुवियम होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालय इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी तक हमने देखा था कि जो अगर हिमालय को हम लोग बांटते हैं तो वो हम लोग इसको अभी तक फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग इसको बांटे थे नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ, यानी इस तरीके से लेकर के इस तरीके तक हमने हिमालय को क्लासिफाई किया तीन भागों में। अभी जो हिमालय को हम लोग क्लासिफाई करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय हम लोग करेंगे, यानी डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, आपका ईस्ट ये है और वेस्ट ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ हमने कर लिया था, अब हमें ईस्ट टू वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट करना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हिमालय को इस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे चार भागों में, और उसको जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन के लिए कोई हम लोग रूल नहीं लिए हैं, कोई कंपास नहीं लिए, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग इसको जब क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग यहाँ से रिवर वैली को लिए हैं। रिवर वैली को जब हम लोग लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हिमालय माउंटेन बिटवीन इंडस की सतलज, सपोज कीजिए कि ये नदी इंडस है और ये सतलज है ना। इस तरीके से जो हिमालय है इसको हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो हिमालय माउंटेन बिटवीन इंडस टू सतलज, इस बीच के जो हिमालय है यानी इंडस से लेकर सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज से लेकर के काली रिवर तक जो है उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सतलज काली से लेके तिस्ठा तक, काली से तिस्ठा तक का जो हिमालय उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, और इस तिस्ठा से लेके बिहार तक जो है उसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देने के बाद हमें पता चलता है कि हिमालय जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर वैली हिमालय आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय विच इज बिटवीन इंडस रिवर टू सतलज रिवर। सेकेंड इज कुमाऊं हिमालय विच इज बिटवीन सतलज टू काली, एंड द थर्ड इज नेपाल हिमालय विच इज बिटवीन काली टू तिस्ठा, एंड द लास्ट इज असम हिमालय विच इज बिटवीन तिस्ठा टू बिहार। ये चार नदी है, इसके बाद भी हिमालय से निकलने वाले बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं जिसके बारे में हम अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम उस समय पर बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको इंडियन जो लैंड मासेस है उसमें हमें पढ़ना है हिमालय जो गंगा का मैदान है वो, उसके बाद फिर प्लेच्यू प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स ये सभी चीज़ें, उसके बाद हम लोग कोस्टल एरियाज को पढ़ेंगे, उसके बाद आइलैंड को पढ़ेंगे और डिजर्ट एरिया को पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में इसी तरीके का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपके जेहन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन में आप डालें, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे पेज को लाइक करें। इस लॉकडाउन में हमारा ये काम है अपने स्टूडेंट के प्रति और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके प्रति कि हम उनको 9-10 की टोटल वीडियो देते रहें, और वो उसको उस वीडियो की सहायता से अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, और नोट्स के साथ साथ आप अपना जो थ्योरी है उसको पढ़ते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।